नमस्कार दोस्तों, बुडानिया एस के एबी प्लस टीवी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। प्रतिदिन सोमवार से शुक्रवार को चलने वाली विशेष एबी परिचर्चा कार्यक्रम में आज हम लोग बात करेंगे भारत में आतंकवाद रोधक कानून की। इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य होता है आपके आईएएस और आरएएस के साथ साथ सामान्य जानकारी के लिए और इन दोनों ही परीक्षाओं के लिए अति उपयोगी कार्यक्रम है। इनमें अलग अलग विशेषज्ञों के द्वारा इस एबी प्लस टीवी कार्यक्रम में आपको अलग अलग समय पर कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चाएं की जाएंगी। जो चीजें आप अखबार में पढ़ते हैं उसके साथ आपका उसका एग्जाम पर्सपेक्टिव क्या दृष्टिकोण होना चाहिए, उन सभी चीजों के लिए इन कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। हम किसी भी मुद्दे पर चर्चा करेंगे तो उसका चर्चा में होने के कारण पर चर्चा करते हैं, उसके बाद उसके बैकग्राउंड की स्टडी करते हैं, उसके बाद उसका किसी भी मुद्दे की क्या रूपरेखा तैयार की गई थी और अंतिम में हम लोग एक निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं कि आपकी राय में परीक्षा हेतु आपका क्या दृष्टिकोण इस मुद्दे पर होना चाहिए, क्योंकि एक विजन होना बहुत जरूरी है। आज के इस एग्जाम का वर्तमान आधुनिक समय में जो सिलेबस है वो वर्तमान की सभी समस्याओं के समाधान करने के दृष्टिकोण में है। तो एबी प्लस टीवी आपके सपने को साकार करने के लिए इस तरफ निरंतर बढ़ रही है। उम्मीद करते हैं आपका प्यार और स्नेह हमें निरंतर मिलता रहेगा। अपने साथी दोस्तों के लिए इसे शेयर करें और हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें। आज के इस विषय का जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो मुद्दा है कि हम लोग आतंकवाद रोधक कानून को लेकर हैं। इस आज की चर्चा में हम लोग अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 2019, एक उपा अधिनियम है, गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 2019, इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। यह आतंकवाद के विरुद्ध भारत का एक कठोर कानून है जो वर्तमान में चल रहा है। पर इस पूरे मुद्दे पर चर्चा में आने से पहले हमें यह जानना है कि मुद्दा चर्चा में क्यों था। 1967 में इस कानून का निर्माण किया गया, 2019 में इसमें संशोधन किया गया और इसका संशोधन वर्तमान में विवाद का विषय है। ये देश की सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी गई है इस कानून के विरोध में। इस कानून को मौलिक अधिकार अनुच्छेद 14, 19 और 21 का उल्लंघन करने का आरोप इस कानून पर लगा है। हम स्टडी करते हैं कि क्या मूल भाग है। सबसे पहले जब आतंकवाद रोकने के संदर्भ में कानून की बात करें तो भारत में अभी वर्तमान में मजबूत कानून का बहुत बड़ा अभाव है। आतंकवाद का मूल उद्देश्य है या आतंकवाद की मुख्य परिभाषा होती है कि दो या दो से अधिक लोगों के द्वारा इरादतन रूप से हिंसा फैलाना जिसका कोई आर्थिक, राजनीतिक या कोई सामरिक उद्देश्य हो सकता है। यानी ये इरादतन रूप से फैलाई गई हिंसा होती है, ये गलती से फैलाई हुई या आप ये कह सकते हो कि गैर जिम्मेदारी से फैलाई हुई हिंसा नहीं होती है। इरादतन रूप से कोई व्यक्ति अपने राजनीतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अपने आर्थिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए या अपने सामरिक हितों को पूरा करने के लिए इस आतंकवाद को फैलाता है। भारत सन 1947 के बाद 2019 तक निरंतर इस आतंकवाद के दौर से गुजर रहा है, लेकिन 2014 के बाद वैश्विक स्तर पर भारत की छवि बढ़ रही है। इस बढ़ते हुए भारत के लिए आतंकवाद जैसी चुनौतियों से निपटना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक तरफ हम विश्व में उभरती हुई शक्ति के तौर पर उभर रहे हैं, एक अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे में कठोर कानून का होना बेहद जरूरी है। भारत के ही कानून में कुछ कमियां थी और उन कमियों की वजह से ही अंतर्राष्ट्रीय जगत में हमारी मान्यताओं को लेकर कुछ विवाद थे। ऐसे में ये कानून तत्कालीन गृह मंत्री अमित शाह के अनुसार राष्ट्र की छवि को सुधारने के साथ साथ राष्ट्र की एकता और अखंडता को भी बरकरार रखेगा। ऐसे में जब इस आतंकवाद की बात करते हैं तो आतंकवाद दो तरीके का होता है, एक स्टेट स्पॉन्सर होता है, दूसरा नॉन स्टेट स्पॉन्सर होता है, किसी भी राष्ट्र राज्य के द्वारा प्रायोजित आतंकवाद और दूसरा गैर राष्ट्र राज्य द्वारा प्रायोजित आतंकवाद। सामान्य शब्दों में कहूं तो एक ऐसा आतंकवाद जब किसी राष्ट्र की सरकार यदि आपके राष्ट्र के लिए आतंकवाद को बढ़ावा दे तो उसको हम राष्ट्र राज्य द्वारा प्रायोजित आतंकवाद कहते हैं। वहीं दूसरे आतंकवाद की बात करें तो एक आतंकवाद जो किसी सरकार की अनुमति से तो नहीं चलता या सरकार के सहयोग से तो नहीं चलता लेकिन अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। जब बात तालिबान अलकायदा की करोगे तो वो नॉन स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म होता है, यानी गैर राष्ट्र राज्य द्वारा प्रायोजित आतंकवाद है। लेकिन बात जब हाफिज सईद की करोगे, जैसे मोहम्मद की करोगे, हिजबुल मुजाहिदीन की करोगे, लश्कर ए तैयबा की करोगे तो भारत के विरुद्ध फैलाए जाने वाला यह आतंकवाद किसी पाकिस्तान की सरकार के द्वारा समर्थित है, इसलिए इसे राज्य द्वारा प्रायोजित आतंकवाद कहते हैं। वर्तमान परिदृश्य में देखा जाए तो कहा जाता है कि सुरक्षा को मुख्य रूप से चार चीजों से खतरा होता है। राष्ट्र की सुरक्षा को एक खतरा बाहरी लोगों से होता है, एक अपने ही आंतरिक लोगों से होता है और तीसरा खतरा कहा गया है कि अपने लोग जब बाहरी लोगों को समर्थन करें, यानी खतरा तो बाहरी होता है लेकिन आंतरिक रूप से समर्थन प्राप्त होता है, और चौथा कहा जाता है कि आंतरिक खतरा जो बाहरी रूप से समर्थन है। सामान्य शब्दों में देखा जाए तो पाकिस्तान के द्वारा फैलाया गया खतरा बाहरी खतरा है, भारत में नक्सलवाद के द्वारा फैलाया गया खतरा आंतरिक खतरा है, लेकिन
भारत में किसी इंडियन मुजाहिदीन का विकसित होना और उसको पाकिस्तान के द्वारा समर्थित करना यह आंतरिक खतरा है जो भारी मदद से चल रहा है। और अगर हम लोग बात करें किसी भारी सरकार के द्वारा या भारी हमलों के द्वारा जो लश्कर ए तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन या कश्मीर के आतंकवादी की, तो हमारे कुछ अपने लोग हैं जिन्होंने राष्ट्र के विरुद्ध में काम किया है, जिन्होंने राष्ट्र की एकता अखंडता को चुनौती दी है और उन भारी लोगों को समर्थन देते हैं। वर्तमान परिदृश्य में देखा जाए तो हम सीमा को मजबूत कर सकते हैं, हम तारबंदी मजबूत करके राष्ट्र को सुरक्षित कर सकते हैं, यानी उस हर भारी खतरे से निपट सकते हैं जो इस राष्ट्र की तरफ आ रहा है, लेकिन अपने ही लोगों से निपटना इस राष्ट्र की एक प्रमुख चुनौती है। यही कारण है कि देश की सुरक्षा, देश की रक्षा हम लोगों ने डिफेंस मिनिस्ट्री को दी है, लेकिन देश की सुरक्षा हम लोगों ने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को दी है, केंद्रीय गृह मंत्रालय को दी है, जिसका मूल काम है इन चारों समीकरणों को स्थापित करना। और आज केंद्रीय गृह मंत्रालय रक्षा मंत्रालय से अधिक हावी होने के पीछे यही कारण है कि इस आधुनिक प्रतिस्पर्धा के युग में हमारे अपने लोग हमारे लिए चुनौती बन चुके हैं, शायद कठोर कानून की कमी होने की वजह से या उस कानून का मजबूत नहीं होने की वजह से या आतंकवाद के मुद्दे इस राष्ट्र में निरंतर बढ़ रहे हैं। लेकिन वैश्विक स्तर पर अपनी सफलता को प्राप्त करने के लिए, अपने वर्चस्व को बरकरार रखने के लिए जरूरी है कि भारत में किसी तरीके का आतंकवादी हमला ना हो। हम लोग सामान्य नजरिए से देखें तो केवल आतंकवाद सुरक्षा के संदर्भ में होता है, लेकिन जब भारत के दृष्टिकोण में देखें या हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण में देखें तो इस यूपीएससी और आरपीएससी की आकांक्षाएं हैं कि केवल आतंकवाद हम लोगों के लिए सुरक्षा तक सीमित नहीं है, ये हमारे लिए आर्थिक चुनौती भी बनता है। क्योंकि आपने अधिकतर देखा है कि भारत में जितने भी हमले होते हैं या तो किसी आर्थिक केंद्र पर होते हैं, पर्यटन के केंद्र पर होते हैं, जो इस राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने का प्रयास करते हैं। इसलिए जरूरी है कि अगर एक मजबूत अर्थव्यवस्था बनाना है, भारत को वैश्विक शक्ति बनाना है, तो भारत एक कठोर कानून का निर्माण करे। इसी संदर्भ में भारत की सरकार ने 2019 के अगस्त के महीने में एक कानून दोबारा पारित कर दिया, जिस कानून का नाम है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन अमेंडमेंट एक्ट 2009, गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 2019। इस कानून को पारित करने का जो मूल उद्देश्य था कि हमारे अपने लोग जो दूसरे लोगों को समर्थन देकर इस राष्ट्र में आतंकवाद का विस्तार कर रहे हैं, उन लोगों को भी नियंत्रण में लेने का उद्देश्य था। आप संविधान के संदर्भ में पढ़ेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर जो होता है वो स्टेट सब्जेक्ट होता है, यानी कानून व्यवस्था राज्य सूची का विषय होता है, इसमें केंद्र सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती। लेकिन एकता और अखंडता बनाने का मूल कारण या मूल जिम्मेदारी देश की संसद को दिया गया है, भारतीय लोकतंत्र को दिया गया है, अर्थात केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वह राष्ट्र की एकता और अखंडता को बरकरार रखे। संविधान की कुछ बाध्यताएं हैं कि जब कानून व्यवस्था राज्य सरकार के अधीन है और एकता अखंडता बनाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार को है, तो राज्य के कार्यों में केंद्र सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। और यही कारण है 2008 के मुंबई हमले में वैश्विक स्तर पर भारत की बदनामी हुई और भारत चाहता है इस संदर्भ में कुछ कठोर कानून बनाए जाए। इस कानून को बनाकर उन सभी लोगों को नियंत्रित करना है जो हमारे विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, छोटे से निजी लालच के लिए या आर्थिक लाभ के लिए। मूल रूप से एक रिपोर्ट पर नजर डालते हैं कि ये कानून किस तरीके से बनाया गया और वर्तमान में इसमें क्या परिवर्तन किया गया। रिपोर्ट के अंत में हम ये देखते हैं इस कानून का पॉजिटिव पॉइंट क्या है और नेगेटिव पॉइंट क्या है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अंतिम पहलू है जो आपके एग्जाम के लिए अति उपयोगी है कि हमें ये देखना है कि इस कानून को लागू करने के लिए जो चुनौतियां हैं और जो फायदे हैं उनमें फायदे अधिक हैं कि चुनौतियां, और ये कानून यदि अति उपयोगी है तो इसकी कमियों को सुधार कर हमें एक सुझाव देना है कि सरकार को किस संदर्भ में और परिवर्तन करने की आवश्यकता है। एक रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। देश का गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम सन 1967 में मूल रूप से पारित किया गया था और इसे 1969 में, 1972 में, 1986 में, 2004 में, 2008 में और 2012 में लगभग अब तक 6 बार इसमें संशोधन किया जा चुका है। मूल संशोधन 2004, 2008 और 2012 में हुआ था और 2008 के संशोधन के बाद इस देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर तो स्टेट सब्जेक्ट रहेगी, परंतु एक एनआईए नामक संस्था की गठन की गई जिसके पास अधिकार है कि देश की राष्ट्रीय जांच एजेंसी किसी भी राज्य के क्षेत्र में जाकर आतंकवाद विरोधी कानून को लेकर या आतंकवाद गतिविधियों को रोकने के लिए कार्रवाई कर सकती है। एनआईए के गठन होने के साथ साथ इंडियन मुजाहिदीन का नेटवर्क टूट गया और यह साबित करता है कि भारत में केंद्र सरकार के आतंकवाद के विरुद्ध की गई कार्रवाई एक सफलतापूर्वक तरीके से आगे बढ़ रही थी। परंतु एनआईए की गिरफ्तारी के बाद न्यायपालिका में एक बहुत बड़ा मसला है कि अधिकतर गिरफ्तार लोगों को हम लोग व्यक्तिगत तौर पर आतंकवाद जैसी गतिविधियों के लिए रोक नहीं पाते हैं। ऐसे में एक संकट का विषय निरंतर इस राष्ट्र के लिए बना हुआ है।
भारत सरकार ने इस संकट का समाधान करने के लिए इस कानून में एक परिवर्तन किया है 2019 में। उन परिवर्तन पर एक नजर डालते हैं। 2019 के इस कानून में चार प्रमुख संशोधन किए गए हैं जो बहुत उपयोगी हैं। अगर उन चार संशोधनों की बात करें तो इस पृष्ठभूमि है, बैकग्राउंड है, वो हमें देखना है। भारत में 1963 में 1963 के अंदर 16वां संविधान संशोधन पारित किया गया। इस 16वें संविधान संशोधन के अनुसार अनुच्छेद 19 में संशोधन किया गया। अनुच्छेद 19 मौलिक अधिकारों की 6 स्वतंत्रताओं के बारे में चर्चा करता है, लेकिन अनुच्छेद 19 में संशोधन कर एक पॉइंट जोड़ा गया कि देश की संसद के पास ऐसा अधिकार है कि वह देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 19 में जो हमें स्वतंत्रता दी गई है उस स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर सकता है। अर्थात अनुच्छेद 19 के तहत भारत के नागरिकों को मिलने वाली 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं संपूर्ण रूप से नहीं है, ये स्वतंत्रताएं सीमित हैं और इन्हें सीमित रखने का जो आधार रखा गया है इस 16वें संविधान संशोधन के माध्यम से वह राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता को बरकरार रखना। और इसी का प्रयोग करते हुए देश के अंदर 1967 में इस ओपा कानून का निर्माण किया गया। पर इस कानून में वर्तमान में 4 प्रमुख परिवर्तन किए गए हैं। वो संशोधन क्या हैं और उन संशोधनों से पहले की क्या स्थिति थी, हम उन मुद्दों पर चर्चा करेंगे ताकि आपको यह समझ में आए कि इस परिवर्तन के बाद विवाद का मूल कारण क्या है। सबसे पहले अगर 2019 के संशोधन की बात करें तो पहला संशोधन यह है कि वर्तमान समय में, ये ध्यान देने योग्य पॉइंट है जो आपकी परीक्षा में प्रारंभिक परीक्षा के लिए उपयोगी रहेंगे और इनका जो अप्रोच होगा वो मेंस के लिए उपयोगी रहेगा। अगर मैं पहले संशोधन की बात करूं तो हाल ही में केंद्र सरकार ने 2019 के इस कानून में एक नियम पारित किया है कि केंद्र सरकार किसी भी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित कर सकती है। यानी कोई व्यक्ति यदि आतंकवादी गतिविधि में शामिल है, आतंकवाद की गतिविधि को बढ़ावा दिया है या आतंकवाद को तैयार होने में किसी भी तरीके से मदद की है या फिर आतंकवाद को प्रोत्साहित किया है या किसी भी रूप से आतंकवाद की किसी भी गतिविधि में शामिल रहा है तो उसे हम आतंकवादी व्यक्तिगत तौर पर घोषित कर सकते हैं। यह आपको जानकर अचंभा होगा कि 2019 से पहले देश की सरकार के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं था कि वह किसी एक व्यक्ति को आतंकवादी घोषित कर सके। वह केवल किसी संगठन को जो किसी आतंकवादी गतिविधि में शामिल है, जिसने कोई आतंकवादी गतिविधि को अंजाम दिया है, जिसने किसी आतंकवाद को बढ़ावा दिया है, जिसने किसी आतंकवाद की तैयारी की है या फिर किसी भी रूप से आतंकवाद में शामिल रहा है, केवल उसे प्रतिबंधित कर सकती थी, लेकिन किसी व्यक्ति को आतंकवादी ठहरा नहीं सकती थी या किसी व्यक्ति के कार्यों को आतंकवादी करार नहीं दिया जा सकता था। इससे पहले केवल संगठन को हम आतंकवादी घोषित कर सकते थे। यही कारण है कि आतंकवादी गुट अपना नाम बदलकर पुनः काम करना शुरू कर देते। भारत के अंदर जब सिमी की बात करोगे तो सिमी की गतिविधियां आतंकवाद में पाई गई, परिणाम स्वरूप इसे उपा अधिनियम के तहत सन 2001 में प्रतिबंधित कर दिया गया था। पर आपको जानकर अचंभा होगा कि सन 2002 के अंदर ये सिमी अपना नाम बदल लेता है और एक नया आतंकवादी गुट उभर कर आता है, नाम है इंडियन मुजाहिदीन। अर्थात कल तक का आतंकवादी आज भी आतंकवादी रहेगा, बस उसके नाम के नीचे एक नया नाम होगा कि अब वो सिमी का आतंकवादी नहीं है, इंडियन मुजाहिदीन का आतंकवादी है, क्योंकि सिमी को देश के कानून ने प्रतिबंधित कर दिया था। 2019 का कानून केंद्र सरकार को यह अधिकार देता है कि केवल किसी संगठन को ही नहीं, यदि कोई व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहा, उसने आतंकवाद की गतिविधियों को बढ़ावा दिया या फिर किसी भी रूप से आतंकवाद की गतिविधि का भाग बना है तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, आतंकवादी घोषित कर सकते हैं। इसके पीछे एक प्रमुख चुनौती और थी कि देश में जब हम अजर मैसूद को वैश्विक स्तर पर आतंकवादी घोषित करवाने की मांग रख रहे थे तो यूएनओ के दौरान हमारे समक्ष एक सवाल उठा कि आप खुद इसे आतंकवादी क्यों घोषित नहीं कर रहे हो। तब भारत के सरकार को जवाब देना पड़ा कि भारत के पास वर्तमान में ऐसा कोई कानून नहीं है कि हम किसी व्यक्तिगत रूप से आतंकवादी घोषित कर सके। उस कमी को दूर करने के संदर्भ में भी इस कानून को देखा जा सकता है। लेकिन ये जो पहला पॉइंट है कि वर्तमान सरकार किसी भी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित कर सकती है किसी संगठन की जगह, यही विवाद का विषय बना है। और इसमें प्रमुख विवाद यह है कि देश की सरकार अथवा संसद कहीं ना कहीं अपने आप को एक तानाशाही की तरफ ना ले जाए,
कहीं ना कहीं हम लोग एक सभ्य समाज से पुलिस स्टेट की तरफ ना बढ़ जाएं, जहां कार्यपालिका का हस्तक्षेप अधिक हो, क्योंकि इसमें एक गाइडलाइन का बहुत बड़ा अभाव है। इसका क्या नकारात्मक पहलू है वो हम आगे चर्चा करते हैं। जब बात दूसरे संशोधन की करते हो तो इस कानून के तहत जो दूसरा प्रमुख संशोधन किया गया है कि जो NIA का DG होगा, डायरेक्टर जनरल होगा, यानी जो NIA का प्रमुख होगा, इसके पास ये अधिकार होगा कि वह इस कानून के तहत किसी भी संबंधित व्यक्ति जिसको आतंकवादी घोषित किया गया है या आतंकवादी गतिविधि में शामिल रहा है, उस व्यक्ति की संपत्ति को जब्त करने का अधिकार है। इससे पहले ये कानून ये अधिकार राज्य पुलिस के IG को देता था, न कि NIA के DG को देता था। अर्थात इस संशोधन से पहले 2019 से पहले किसी भी आतंकवादी गतिविधि में शामिल व्यक्ति की संपत्ति जब्त तो की जा सकती थी, परंतु वो राज्य पुलिस की जो प्रमुख है उनकी अनुमति के बाद ही संभव था। लेकिन इस संशोधन के बाद NIA को ये अधिकार दिया गया है कि NIA खुद इस कानून को लेकर NIA का DG किसी भी संबंधित व्यक्ति की संपत्ति को जब्त कर सकता है, जो राज्य के अधिकार को सीमित करता है और केंद्र को हावी करता है राज्य के संदर्भ में। तीसरा जो प्रमुख संशोधन किया गया है वो ये है कि इस संशोधन से पहले यानी 2019 से पहले यह बाध्यकारी था कि कोई भी व्यक्ति जो उपा अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया है, उस व्यक्ति की जांच DSP रैंक से ऊपर का अधिकारी ही करेगा। अर्थात DSP, ACP, ASP रैंक के अधिकारी कर सकते हैं, लेकिन DSP से नीचे के रैंक के अधिकारी के पास जांच करने का अधिकार नहीं था। 2019 का संशोधन ये अधिकार सीमित जो था उसको खत्म कर देता है और वर्तमान में अधिकार देता है कि कोई भी NIA का अधिकारी उपा अधिनियम के तहत जांच कर सकता है और राज्य पुलिस में इंस्पेक्टर रैंक या इससे ऊपर के रैंक के अधिकारी के पास जांच करने का अधिकार दिया गया है। अर्थात पुलिस के हाथ अधिक मजबूत किए गए हैं इस संदर्भ में। चौथे और आखिरी महत्वपूर्ण संशोधन की बात करेंगे तो इसमें पहले शेड्यूल के तहत क्या था कि 2019 से पहले केवल नो ट्रीटी, नो संधि ऐसी थी जो इसमें शामिल थी। इस नो संधि का तात्पर्य है कि अंतरराष्ट्रीय जगत की नो संधियां इस कानून में शामिल होती थी कि उन नो संधियों के तहत यदि किसी ने कोई गलत कार्य किया है, गैर कानूनी गतिविधि में शामिल रहा है, तो उसको भारत सरकार अंतरराष्ट्रीय संधि की वजह से उपा अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर लेती थी। लेकिन अभी वर्तमान संशोधन के बाद उस 9 संधियों को बढ़ाकर 10 संधि कर दिया गया है और 10वीं संधि का जो मूल रूप है वह है इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर सेपरेशन ऑफ एक्ट्स ऑफ न्यूक्लियर टेररिज्म 2005। अर्थात 2005 के अंतर्राष्ट्रीय जगत की एक संधि है परमाणु आतंकवाद को रोकने के लिए संपूर्ण वैश्विक जगत में प्रयास होंगे। तो वर्तमान भारत कहता है कि यदि अगर 2019 के बाद में न्यूक्लियर टेररिज्म को लेकर परमाणु आतंकवादी गतिविधियों में भी यदि कोई व्यक्ति शामिल होता है तो उसको भारत उपा अधिनियम 2019 के तहत गिरफ्तार कर सकता है। तो ये 4 प्रमुख संशोधन किए गए हैं और इसके साथ साथ जब संसद में ये कानून पेश किया गया तो इस कानून को लेकर विपक्ष की तरफ से एक बहुत बड़ा मसला उठा और वो मसला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। दिल्ली के एक सुप्रीम कोर्ट के वकील ने याचिका दायर की है कि जो आपने पहला संशोधन किया है कि देश की कोई भी सरकार, देश की जो सरकार है वो किसी भी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित कर सकती है, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 जैसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। ये तो वो प्रमुख संशोधन है जो आपको ध्यान रखने हैं कि हाल ही में किए गए हैं। हालांकि देश के गृह मंत्री ने अपने भाषण में और इस कानून को पेश करने के दौरान एक प्रमुख पहलू रखा। उन्होंने कहा कि 4 स्तरीय जांच होगी और ये देखा जाएगा कि किसी भी रूप से मानव अधिकारों का हनन नहीं होगा। लेकिन सरकार के इस कथन पर विश्वास करना बेहद चुनौती होगा क्योंकि माननीय गृह मंत्री जो वर्तमान के हैं इन पर स्वयं आरोप लग चुके हैं कि इन्होंने टाडा जैसे कानूनों का उल्लंघन किया था, इन्होंने पोटा जैसे कानूनों का गैर उपयोग किया था, काफी फर्जी इनकाउंटर में इनका स्वयं का नाम था। ऐसे में इस भारत के अनुभव को देखें तो भारत का कोई भी विशेष कानून बिना विवाद के आज तक गुजरा नहीं है, चाहे वो टाडा हो, चाहे वो पोटा हो, चाहे वो उपा अधिनियम हो। और यही कारण है इस उपा में अब तक 7वां संशोधन किया गया है जो अपने आप में एक चर्चा का विषय है। हालांकि गृह मंत्री ने विश्वास दिलाया है कि 4 स्तरीय जांच कर हम लोग मानवाधिकारों के हनन की जांच करेंगे। ये वो एक सामान्य रिपोर्ट थी जिसके आधार पर संशोधन किया गया, पर सवाल यह है कि हमें इसके बाहर समझना है, इसके बियॉन्ड समझना है। हमें यह देखना है कि इन संशोधनों का विवाद का मुद्दा क्या है। तो हम लोग एक एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं, एक निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं।
जब इन चार संशोधनों की बात करोगे तो जो प्रमुख विवाद का विषय है वो इस पहले संशोधन में है। पहले संशोधन की बात करोगे तो जो कहता है कि हम किसी भी एक व्यक्ति को आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने की वजह से दोषी साबित कर सकते हैं, पहले किसी संगठन को कर सकते थे। ऐसे में एक विवाद का विषय है कि देयर इज अ डिबेट ऑन द पर्सनल लिबर्टी वर्सेज द स्टेट ऑब्लिगेशन टू प्रोटेक्ट सिटीजन। देश दो भागों में बट चुका है, एक वो लोग हैं जो कहते हैं कि इस कानून के माध्यम से आप व्यक्तिगत स्वतंत्रता को खत्म कर रहे हो, और दूसरे वो लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि सरकार को आपने एक जिम्मेदारी दी है कि वो अपने हर नागरिक को बचाए, इसलिए सरकार को आप अधिकार दो ताकि वो अपने नागरिकों को बचाने में सक्षम रहे। सबसे पहले हम उस नेगेटिव पॉइंट पर एनालिसिस करते हैं जिसके आधार पर यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है। आज से 5 दिन पहले यानी 5 सितंबर को देश की सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश जारी किया है कि इस कानून के संदर्भ में आप सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट पेश करो कि आप किस आधार पर इसे वैलिड बता रहे हो। क्लियर है? तो उसका जवाब अभी केंद्र सरकार ने दिया नहीं है, उसकी तैयारी चल रही है। इस कानून को वैध या अवैध घोषित करते ही आगे का विषय है, लेकिन हमें एग्जाम के दृष्टिकोण में ये देखना है कि इसके अंदर क्या नकारात्मकता और क्या पॉजिटिव पॉइंट है। पहले हम उन नकारात्मक विषयों की चर्चा करते हैं जो ये कहते हैं कि ये चुनौती है। पहली चुनौती ये है कि वर्तमान सरकार के द्वारा जो कानून बनाया गया है उस कानून की कोई सीमा रेखा निखांकन नहीं की गई है, अर्थात कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है कि ये निर्धारण कर दिया गया हो कि केवल इसी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित कर सकते हो, इसको नहीं कर सकते हो। सबसे बड़ा विवाद का विषय है न्यायिक आधार कि आप किसी भी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित कब करोगे, गिरफ्तारी के दौरान करोगे, गिरफ्तार करने के बाद करोगे, ट्रायल के दौरान करोगे, या फिर देश की कोर्ट उसे आतंकवादी घोषित कर देगी उसके बाद करोगे, ये भी अभी निर्धारण नहीं हुआ है। अर्थात किसी भी व्यक्ति को आतंकवादी गतिविधियों में शामिल माना जा सकता है, ये पूर्णतः एक विवेकाधिकार पर छोड़ दिया गया है कि केंद्र की कार्यपालिका का एक डिस्क्रिशनरी पावर होगा, वो अपनी इच्छा से देखेगी कि कौन आतंकवादी है कौन नहीं है। भारत जैसे लोकतंत्र जहां सभ्य समाज है और एक सभ्य समाज में उम्मीद की जाती है कि जनता अपने अधिकार के साथ समझौता तभी करती है जब उसे लगता है कि सुरक्षा के लिए उस अधिकार के साथ समझौता करना बेहद जरूरी है, इस देश ने ऐसा किया भी है, इस देश की जनता ने सदैव सहयोग दिया है। ऐसे में इस सभ्य समाज में कभी भी उम्मीद नहीं की जा सकती है कि राज्य की हस्तक्षेप इतना बढ़ जाए कि व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं का उल्लंघन हो। ऐसे में जो सरकार का हस्तक्षेप बढ़ रहा है वो एक चुनौती का विषय है। चुनौती इसलिए है कि एक निर्धारित रूपरेखा नहीं है, एक निर्धारित सीमा नहीं है, एक निर्धारित गाइडलाइन नहीं है, दिशा निर्देश नहीं है कि आप किसको आतंकवादी घोषित करोगे किसको नहीं करोगे। ऐसे में राजनीतिक द्वेष, पुलिस द्वेष का भी एक कारण बन सकता है और एक तानाशाह सरकार के तौर पर देखने को मिल सकता है। इसका एक मूल कारण यह भी है कि निर्धारित नियम नहीं होने से इसका दुरुपयोग अधिक होगा, और इस बात को हम नकार नहीं सकते हैं क्योंकि देश का अनुभव रहा है कि आज तक जितने भी विशेष कानून आतंकवाद को लेकर हमने बनाए हैं, विशेष तौर पर जो चर्चा में रहा टाडा पोटा, इनका हमेशा दुरुपयोग हुआ है, और दुरुपयोग होने के कुछ आंकड़े हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। 2014 की एनसीआरबी की रिकॉर्ड है, एनसीआरबी का मतलब है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की एक रिपोर्ट है कि 2014 में आसाम के अंदर 114 लोगों को गिरफ्तार किया गया उपा अधिनियम के तहत। आप जानकर चौंक जाएंगे कि 114 लोगों में से 113 लोगों को देश की कोर्ट ने रिहा कर दिया सबूत के अभाव में और उनको आतंकवादी नहीं माना, और केवल एक व्यक्ति को दोषी ठहराया है। ये साबित करता है कि इस कानून का दुरुपयोग सबसे अधिक हो रहा है, और ऐसे में न्यायिक तौर पर इसे चुनौती देना बेहद जरूरी था। इसके साथ साथ जब उदाहरण के तौर पर आप समझिए कि अगर दो व्यक्तियों को केंद्र सरकार गिरफ्तार करती है तो केंद्र सरकार के विवेक पर निर्भर कहेगा कि वह दोनों में से किसको आतंकवादी मानती है और किसको नहीं। ऐसे में अनुच्छेद 14 का भी उल्लंघन है, अनुच्छेद 19 के तहत व्यक्ति की गरिमा को नुकसान पहुंचाता है। नुकसान का अर्थ क्या है कि 114 लोगों को आपने आसाम में गिरफ्तार किया और उसके कुछ महीनों कुछ सालों बाद 113 लोगों को रिहा कर दिया, 113 लोगों की प्रतिष्ठा सामाजिक छवि को आपने खराब किया, जो अपने आप में एक राइट टू डिग्निटी और एक राइट टू रेपुटेशन के लिए चुनौती बना है, एक गरिमापूर्ण जीवन के लिए चुनौती बना है। ऐसे में इस अधिकार के दुरुपयोग की संभावना अधिक है। इसके साथ साथ निर्धारित रूपरेखा नहीं होने की वजह से या निर्धारित प्रक्रिया नहीं होने की वजह से यह भी अनुमान है कि कानूनी तौर पर भी इसे चुनौती दी जा सकती है। तो कुछ प्रमुख कारण हैं।
लेकिन जब हम सकारात्मक पहलू की बात करें तो एक अंतिम और महत्वपूर्ण जो लाइन है वो ये है कि केवल कानून का दुरुपयोग करने की वजह से उसे असंवैधानिक करार देना गलत होगा। गलत इसलिए होगा कि वर्तमान संदर्भ में देखा जाए तो देश की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीनों का संयुक्त दायित्व है कि भारत की राष्ट्रीय एकता और अखंडता को और संप्रभुता को हम सुनिश्चित करें। ऐसे में बहुत जरूरी है कि किसी भी व्यक्ति जो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहा है या किसी भी रूप से उसकी मदद की है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा इस आधुनिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा के युग में बिना आंतरिक मदद के भारी आतंकवादी फैलना संभव नहीं है, क्योंकि देश रक्षा मजबूत कर सकता है लेकिन देश को सुरक्षा मजबूत करने के लिए अपने लोगों पर जो राष्ट्र विरोधी हैं या राष्ट्र के विरुद्ध गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं उन पर सख्त नियंत्रण कायम करने की आवश्यकता है। ये कानून ऐसे लोगों पर एक बहुत मजबूत तरीके से पकड़ रखेगा और ऐसे लोगों को रोकने में सक्षम होगा। इसलिए केवल इस आधार पर अगर हम इसे गलत ठहरा दें कि इसका दुरुपयोग होता है तो ये राष्ट्र के लिए बेहतर भविष्य के लिए नहीं है। तीसरा और आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट पहलू जो इस कानून का सकारात्मक पहलू है कि अंतर्राष्ट्रीय जगत पर हम लोग किसी व्यक्तिगत अजर मैसूद को, कभी कभी हम लोग दाऊद इब्राहिम को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने की मांग करते हैं लेकिन हम खुद कानून की कमी की वजह से उनको आतंकवादी घोषित नहीं कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप बहुत से लोग इस राष्ट्र में इस कानून की कमी का लाभ उठाकर आतंकवाद की गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की मान्यता को सुनिश्चित करने के लिए, हर व्यक्तिगत आतंकवादी जो हैं उनको सुनिश्चित करने के लिए, उसके साथ साथ देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है कि इस तरीके के कठोर कानून का निर्माण किया जाए। अब हमारे सामने दो पहलू हैं। हमने आपके इस पूरे मुद्दे की रिपोर्ट पर चर्चा की कि क्या संशोधन किया गया, हमने इसके सकारात्मक पहलुओं पर चर्चा की और हमने ये देखा कि इस पॉइंट के अंदर क्या नेगेटिव पॉइंट भी हैं। जब आप नकारात्मक बिंदुओं को सुन रहे थे तो आपके अंतरात्मा में आपको महसूस हो रहा था कि ये भी सही है और जब आप सकारात्मक बिंदु को सुन रहे हैं तो वो भी सही है। ऐसे में हमें क्या एक बेहतर निर्णय लेना है और खास कर हमारी परीक्षा के संदर्भ में, तो कुछ सुझाव हैं जो मेरी तरफ से आपको इस संदर्भ में आगे देखने हैं। अगर हम लोग इस कानून को एक सही निर्देशित गाइडलाइन में ले आए, गाइडलाइन में लेने का अर्थ है कि केंद्र सरकार ये विश्वास दिला दे सुप्रीम कोर्ट को या इस कानून में कुछ संशोधन कर दे जो ये दिखाए कि किसको आतंकवादी घोषित किया जाएगा, किसको नहीं किया जाएगा, इसका निर्धारण हो जाए। अर्थात एक न्यूनतम बेसिक चीजें रख दे कि ये वाला व्यक्ति जो इन गतिविधियों में शामिल होगा वो आतंकवादी होगा और जो इन गतिविधियों में शामिल है उसी को हम आतंकवादी घोषित करेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि जो वर्तमान कानून है वो देश की कार्यपालिका को ये विवेकाधिकार देता है, यानी अपनी इच्छा से अधिकार देता है कि वो किसी भी व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार आतंकवादी घोषित कर सकता है, जो कानून के दुरुपयोग करने का एक बहुत बड़ा पहलू होगा। खास कर एक पहलू है, इस राष्ट्र में एक विशेष धर्म को निशाना बनाया जाता है कि हमेशा उसी के संदर्भ में आतंकवादी गतिविधियां मानी जाती हैं। हालांकि पिछली सरकार में एक दूसरी धर्म के प्रति भी ऐसी कार्रवाइयां की गई थी कि जिसमें कुछ निर्दोष लोगों को आतंकवादी घोषित किया गया और देश में बाद में कानून ने उन्हें आतंकवादी नहीं माना। ऐसे में ये एक धर्म राजनीतिक मुद्दा भी बन चुका है। तो यदि कार्यपालिका को ये विशेष अधिकार दिया गया तो इस कानून का दुरुपयोग अधिक होगा और हम लाभ कम उठा पाएंगे। इसलिए आवश्यकता है कि इस विशेषाधिकार को किसी नियम प्रणाली में सीमित किया जाए। लेकिन यहाँ ध्यान देने योग्य चीज है कि केवल इस आधार पर कि कानून के दुरुपयोग होने की संभावना है, अनुच्छेद 14, 19 और 21 को सीमित करता है, इस आधार पर राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा के साथ भारत सरकार को समझौता नहीं करना चाहिए और एक सभ्य समाज के नागरिक को भी एक सभ्य सरकार को सहयोग देने की आवश्यकता है। वहीं सरकार को दूसरी तरफ अपने आप को एक तानाशाह के रवैये में बदलने के रोकने की आवश्यकता है। सरकार को इस सभ्य जनता को एक कल्याणकारी राज्य को स्थापित करने के लिए केवल कानून व्यवस्था बनाने की जरूरत नहीं है, उसके साथ साथ हमें विकास के संदर्भ में भी देखने की आवश्यकता है। तो आज की रिपोर्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया कि उपाधिनियम क्या है, आतंकवाद को रोकने के लिए क्या संशोधन किया गया है, चर्चा में क्यों और विवाद कभी से क्यों है। अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना बाकी है। यदि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हम लोग प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ के तहत देखें, यानी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत देखें, तब तो इस उपा कानून को वो लोग अवैध घोषित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देश की संसद को 16वें संविधान संशोधन के तहत ये अधिकार है कि वह किसी भी अनुच्छेद 19 के स्वतंत्रता को, राष्ट्रीय सुरक्षा,
एकता और अखंडता के नाम पर सीमित कर सकती है और उसके पास ऐसा कानून बनाने का अधिकार है। एनआईए का गठन इसी संदर्भ में था, लॉ एंड ऑर्डर राज्य सूची का विषय होता है, लेकिन जब भी कोई व्यक्ति आतंकवादी हमले में मारा जाता है तो वह किसी राजस्थान का या गुजरात का या महाराष्ट्र का नागरिक होने से पहले भारत का नागरिक होता है। अतः भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि वह अपने लोगों को इस आतंकवाद जैसी गंभीर चुनौतियों से रोकने का प्रयास करे। और एनआईए का निर्माण, एनआईए कानून का निर्माण इसी संदर्भ में था और अब हमने एक कदम आगे बढ़ाया है इस उपाधिनियम के तहत कि यदि कोई व्यक्ति इस तरीके की गैर जिम्मेदाराना और सबसे खतरनाक गतिविधियों में शामिल होता है तो राष्ट्र के कानून को इतना अधिकार होना चाहिए कि उस व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई की जा सके। ऐसे में अगर हम सुप्रीम कोर्ट इस पहलू को आधार रखकर निर्णय लेगी तब तो यह कानून वैध है, लेकिन इस राष्ट्र में एक पहलू है विधि निर्माण प्रक्रिया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, यानी इसको नैतिक आधार पर देखा जाए या भावनात्मक रूप से देखा जाए या हमारा पुराना अनुभव देखा जाए तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट इस कानून को सीमित कर दे या इस कानून को अवैध घोषित कर दे इस आधार पर, क्योंकि इसमें एक निर्धारित गाइडलाइन नहीं है, एक मार्गदर्शन नहीं है, एक लक्ष्मण रेखा का अभाव है, एक सीमा रेखांकन का अभाव है और इस कानून के दुरुपयोग होने की संभावना फिर से बढ़ गई है, कहीं ना कहीं राजनीतिक द्वेष की संभावना भी बढ़ सकती है। तो आपको एक बेहतर उत्तर लिखने के लिए इन सभी चीजों की आवश्यकता होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।